महानगर में पैडलेगंज, चंपा देवी पार्क सहित अन्य स्थानों पर प्राइवेट बसें अपना अड्डा बना रही हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है और सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। जिसको लेकर एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव से बात करने पर उन्होंने बताया कि महानगर में आ रही प्राइवेट बसों की निगरानी के लिए टीम लगा दी गई है। प्राइवेट बसों के मालिकों से कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से शहर में चल रही ऐसी बसों का चालान होगा और आवश्यकता पड़ने पर परमिट भी कैंसिल किया जाएगा। उन्होंने प्राइवेट बसों के मालिकों को आगाह करते हुए कहा कि महानगर में बसों को इकट्ठा करके जाम ना लगाएं और प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थलों पर ही प्राइवेट बसों को खड़ा करें, अन्यथा पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, शहर में प्राइवेट बसें आ रही हैं जो कि नौगढ़ पर रुकना था, इनके लिए क्या कार्रवाई करें? इनके लिए कार्रवाई के लिए टीमें लगा दी गई हैं। ऐसी बसों का चालान होगा और जिनका परमिट कैंसिल करने की आवश्यकता होगी उनका परमिट भी कैंसिल कर दिया जाएगा। यही संदेश देना चाहेंगे कि शहर में बसों को इकट्ठा मत करें, अपना एक स्टेशन निर्धारित कर लें और बिजी इलाके से किसी भी परिस्थिति में बसेज नहीं निकलना चाहिए।